हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधीर ट्यूटोरियल्स। टुडे वी आर इन जीएनई कॉलेज ऑफ लुधियाना, जो कि इंजीनियरिंग का एक फेमस कॉलेज है लुधियाना का, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे जो है आए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो लाइव रिव्यू है बच्चों से लेने वाले हैं कि जीएनई कॉलेज कैसा है इंजीनियरिंग के लिए। बेसिकली ये कॉलेज जो है वो इंजीनियरिंग के लिए है, जैसा कि आपको पता ही होगा। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएस, कंप्यूटर साइंस जिसको बोलते हैं, सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसा कि हमने यहाँ पे पूछा एडमिशन सेल से, वो कह रहे हैं कि जो एडमिशन है वो जेई के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। तो जेई के बेसिस पे एडमिशन होगा। फिलहाल पहले जो सीट्स हैं वो जेई के बेसिस पे फिल करी जाएंगी, उसके बाद जो सीट्स वैकेंट बचेंगी वो जो है बोर्ड बेसिस पे होने वाली है। तो यहाँ पे बच्चों से हम जो रिव्यू है वो लेने वाले हैं कॉलेज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनसे मिलने जा रहे हैं। ये यहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट है। कौन से कोर्स के स्टूडेंट आप? मैकेनिकल। आप कैसा है कॉलेज में? ओके, ये भैया भी हैं। कैसा है प्लेसमेंट, कैसा है यहाँ का? और एकेडमिक्स? अपॉर्चुनिटीज, हाइएस्ट पैकेज क्या है? ओके, एंड एवरेज? सुना है यहाँ पे सब्जीज वगैरह ज़्यादा आती हैं, ऐसा कुछ है? ओके, थैंक यू। हम कुछ और स्टूडेंट्स के पास आ गए हैं, इनसे जानते हैं कि इनको इनका कॉलेज कैसा है। तो क्या रिव्यू है आपके कॉलेज के बारे में? ओके, कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे? ओके, मतलब सारे कोर्सेज अवेलेबल। ओके, आप कौन सी कोर्स? एकेडमिक्स कैसा है? प्लेसमेंट वगैरह? यानी कि प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। हाईएस्ट पैकेज क्या रहा है कॉलेज का अभी तक का? ओके ओके, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है के साथ साथ? ओके ओके, थैंक यू। कैसा है बताता प्लेसमेंट वगैरह? प्लेसमेंट वगैरह क्या सुन? एवरेज पैकेज क्या है? अभी रिसेंटली मैंने देखा था कॉलेज की साइट पे 45 लाख का कोई रहता है। बस ठीक है, खुद करिएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज तो होती है, बस ग्रैब करनी होती है। बाकी ऑनलाइन ज़्यादा डिपेंडेड होते हैं। मैं अपना बताऊँ तो ऑनलाइन, वो तो ऑनलाइन का जमाना है, तो हर जगह ऐसा साइट्स होगी, यूट्यूब, तो ट्यूटोरियल पॉइंट। ओके ओके, तो 10 out of 5 कितने मार्क्स देंगे? जीरो। भाई हम पछता रहे, कोई फेस्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। हम पागल हो चुके हैं यहाँ पे पढ़ पढ़ के। उससे पहले भी हमारा 2 दिन पहले भी हमारे सेमिनार था, उससे पहले यहाँ पे जो कल हमारा कोई
आनंद उत्सव था हमारा कुछ दिन पहले, कुछ ना कुछ यहाँ पे इवेंट होते रहते हैं, कोई जैसे स्पोर्ट्स मीट होती है, कोई बहुत अच्छा। हाईएस्ट पैकेज क्या है यहाँ का अभी अभी तक का? अच्छा अच्छा, प्लेसमेंट वगैरह मतलब हो जाता है? हाँ, प्लेसमेंट वगैरह तो बढ़िया। डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तो ये है कि कभी कभी वो जैसे क्लासेस वगैरह कभी कभी नहीं लगती है, कभी स्टूडेंट्स खुद लगाना नहीं लगाते हैं, कभी कभी टीचर्स भी नहीं लगाते हैं कि हमें या कोई और काम है या अपना कोई रिसर्च वगैरह कभी होती है, तो लोग वो भी कभी अपना काम होता है, कभी मैकेनिकल से तो हम सर्च के लिए मिलती। आप भी सेम ही है मैकेनिकल से? हां, तो जैसे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी देती है, मतलब ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे क्लास ना वीकली वंस ही लगती है, ओनली वंस एट वी हैंग यू, हां जो लैब लगती है। ओके, तो थोड़ी ज्यादा लगती है ये, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज्यादा। यू आर आल्सो इन द सेम? ओके, तो आप लोग 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 8.5 17 मतलब 7 मतलब ओवरऑल से हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेहतर है। ओके, मतलब ऐसा डिप्लोमा किया ना वहां पे इतना आसानी से बेहतर है, इसलिए 8.5 है, इससे ज्यादा हमने कुछ देखा भी नहीं इसीलिए 8.5। और रैगिंग वगैरह कैसी है? हम ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब सारा कुछ फ्रेंडली है, सारा फ्रेंडली बोल है, चाहे सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स, किसी ने रैगिंग की नहीं, और हम सेकंड ईयर में आए थे तो हमने भी फर्स्ट ईयर वालों की। ओके, दैट्स गुड न्यूज़। ओके, थैंक यू। हां जी, पुलिस तो बहुत बढ़िया है, मतलब सही है, काफी दूर दूर से बच्चे आते हैं यहां पे पढ़ने के लिए, बाकी ये है यहां पे लोकल फर्स्ट ईयर आपको? सेकंड ईयर। कौन सी बैंक, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ? ऑलमोस्ट सारे ही, मतलब जैसे बीटेक के रिलेटेड सिविल ब्रांचेज है, सीएससी है, आईटी है, और आर्किटेक्चर भी है यहाँ पे, बीबीए है, एमबीए है, तो अलग अलग कोर्सेज है, काफ़ी ज़्यादा है मतलब, और ऊपर से कॉलेज को एमपीटीएल भी मिल रखा है, जो बहुत से कम कॉलेज को मिल रखा है। के बारे में क्या करना चाहिए? हाँ जी, आपका नाम? आप भी सेम नाम फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर में? आप भी सेकंड ईयर एकेडमिक्स पर क्या रिव्यू है आपके? अच्छा, एज कम्पेयर टू बाकी कॉलेज। ओके, अपॉर्चुनिटीज मतलब यहाँ पे हैं अवेलेबल? वो इनसे पूछिए, वो इनसे पूछिए। आपका नाम? मेरा नाम राहुल जी। ओके, आप भी सेम ईयर में? हाँ जी, सेम ब्रांच। ओके ठीक है, तो एकेडमिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी ऑनेस्ट रिव्यू हम वो चाहते हैं। YouTube पे पूछना जी, पहला पहुंच जाता है एकेडमिक्स के दादा है, प्लेसमेंट इसे कॉल दिए भाई, कुछ ऑर्डर लगा कौन सी ब्रांच है आप? बॉन्ड दे मेरे हेल्प में यार, थर्ड ईयर। तो एकेडमिक्स कैसा है यहां का? अच्छा, एडमिशन लगे देखो ने आप प्लेसमेंट लगा लो, मर जाना 95% अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्या क्या अपने से पता करना पड़ता है, बाकी पता करते सोसाइटी में क्लब्स हैं, मतलब ओवरऑल अच्छा है कॉलेज आपके हिसाब से? हाँ ठीक है। ओके, तो प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज वगैरह क्या है?
प्लेसमेंट का तो अभी मुझे भी आइडिया है। ओके, बाकी मैं कुछ पता करते रहता हूँ तो लगता है कि कंपनी आती है ठीक ठाक। टीचर आर सपोर्टिंग। आप आपका नाम क्या आपका नाम क्या इधर आओ। अच्छा सपोर्टिंग है अपॉर्चुनिटीज वगैरह सभी प्रोवाइड हो रही है। थर्ड ईयर में सपनियां आती हैं ज्यादा फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो मैंने सुना है सपनियां वगैरह काफी आती हैं। नहीं पढ़ोगे तो आएगी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका कमेंट। और एवरेज पैकेज वगैरह क्या है यहाँ का? ये मतलब अभी तक का जो हाईएस्ट पैकेज है ना पूछा उसके बारे में। वो कहेगा 14 लाख गया। मतलब ओवरऑल आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मेरा 6 6 ओके। थोड़े से डिसएडवांटेजेस यहां पे जो आपको लगे नहीं मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। और रैगिंग वगैरह मतलब सारे फैन हैं। थैंक यू। Don't do it. We just want to your honest review. Nothing. भाई लाइव आपको कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यू तो करें बोले थे आगे। मैं अपने कॉलेज के बारे में बुरा नहीं बोल सकता। नहीं मतलब थोड़े से मेरिट्स और डिमेरिट्स बस इतना जानना है। मतलब स्टूडेंट्स को हेल्प हो सकती है। हां जी तो मैं यहीं पढ़ते हो। आपका नाम? फर्स्ट ईयर में आप कौन सी ब्रांच? सीएससी। तो यहां का एकेडमिक्स वगैरह कैसा है? प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन है? सीएससी का हाईएस्ट पैकेज क्या है रहा है? और एवरेज कौन कौन सी कंपनी है यहाँ पे? तो यहाँ के टीचर्स वगैरह जो है वो कैसे हैं? मतलब ओवरऑल आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? चलिए आपसे कुछ दो मेरिट और डिमेरिट पूछना चाहेंगे हम आपसे। मेरिट एंड डिमेरिट। एडवांटेज डिसएडवांटेज। आई मीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ जी थोड़ा सा। मतलब स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आप मतलब यहाँ इंडिया के तो क्या आप किसी को सजेस्ट करेंगे अगर यहाँ पे कोई लगना चाहे तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? ओके थैंक यू। तो आपसे इस जीएनयू कॉलेज के बारे में थोड़े से जानना चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे? एकेडमिक्स कैसा है यहाँ पर? क्या क्या यहाँ टीचर थोड़े ठीक ने। एक मैडम है बाकी सब कुछ सही है। हाँ सही है। तो ये हम लोग आते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जीएनयू का कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जीएनयू के मेन ऑफिस पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आइए आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं जीएनयू कॉलेज का जो मेन ब्रांच है। तो ये है यहाँ का पीयू कैंपस का मेन ऑफिस यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज। और ये यहाँ पे जैसा कि क्या बोलते हैं वो पिक पिक साइड को बोल देते हैं आप लोग जैसे अपना लुधियाना से टीम बना हुआ है तो ऐसा यहाँ पे पिक क्लिक कर सकते हैं। आइए आगे सर कॉलेज यू से हम लोग यू सकते हैं तो आपसे कॉलेज यू थोड़ा सा जानना था। तू दे इंटरव्यू तू तो तेज है। अच्छा आपका नाम क्या? तेरा मोमेंट है विदाउट वीडियो बताएंगे। हां एक्चुअली वी आर लाइव। नो कोई ना कोई ना रुपाली करके ना वीडियो तो देना। ओके कौन सी एल पे? मैं सब ब्रांच सी सी। ओके
तो कैसा यहाँ का कंडीशन लगा? अच्छा है, लाइक अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो वो तो आई थिंक हर जगह ही है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है मतलब सीनियर्स यहां पर काफी फ्रेंडली हैं। आपका नाम? मेरा नाम अभी सेम सीनियर्स हैं। सेकंड ठीक है, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स। सीनियर्स यहां पर काफी फ्रेंडली, कोई थ्री मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जी एनी को मेरिट्स को डीमेरिट है ये कैंपस में छोटा है। कैंपस में थोड़ा सा साइज में भी बहुत छोटा है। नाम कितने हैं? एक डीमेरिट में ये भी है कि थोड़ा सा लाइक थिंकिंग वाइज यहाँ पे जो टीचर्स है मतलब दे आर नॉट ब्रॉड माइंडेड सम वर्ड लाइक दैट कुछ चीजें। तो मैंने आपसे तीन मैथ्स एंड डीमेरिट्स पूछी थी, आपने ये बताया जो भी मतलब था मतलब क्वालिफिकेशंस भी टीचर्स की अच्छी हैं, मतलब कुछ टीचर्स ने पीएचडी भी की हुई है, मतलब काफ़ी अच्छी नॉलेज मतलब वास्ट नॉलेज है उनके सब्जेक्ट में, तो वो चीज़ बढ़िया है। और आपका नाम? You are also in the same branch and same year. Okay. तो आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे 10 में से? कॉलेज में? हाँ जी। Out of 10? 7.5. And you? 7.5. 7.5 and 8? 8. Okay. And you? 6.5. आपके मार्क्स काफी कम हैं, इन्हें जान देते हैं। आप लोग यही लोकल से कॉलेज नहीं स्टॉप। तो ये था जीएनई कॉलेज का रिव्यू, जैसा कि हम लोगों ने आपने देखा कि हमने बहुत सारे बच्चों से बात की और काफ़ी सारे बच्चों से बात करने के बाद हमें पता लगा है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीएनई कॉलेज गुड है अगर आपके जेई मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं है। तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पे प्लेसमेंट भी सही है और बच्चे जो हैं मतलब फ्रेंडशिप वगैरह रैगिंग वगैरह जैसी हम देखने को मिलती है बाकी कॉलेज में वो ऐसी यहाँ पर नहीं है और काफ़ी यहाँ पे फ्रेंडशिप वाला माहौल है, हमने देखा यहाँ पे सबसे बात करी तो सबने अच्छा रिव्यूज़ दिया है और जो प्लेसमेंट वगैरह है वो भी यहाँ का काफ़ी सही है और यहाँ पे जो रैगिंग के बारे में इन्होंने बताया हमें यहाँ बात करके पता लगा तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका जीएनई का मेन ऑफिस, जैसा कि हमने बताया गया है यहाँ के बच्चों ने कि यहाँ का मेन ऑफिस है जीएनई गुरु नानक देव इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पे इस रिव्यू को एंड करते हैं और नए कॉलेज रिव्यू के साथ आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
और अगर आपको कुछ और डिटेल जानना होगा इस वीडियो पे इस कॉलेज के बारे में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।